global advertisers, scaling new heights in outdoor media. एशिया बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट द्वारा जोसम हिंदुस्तानी कार्यक्रम का आयोजन मुंबई स्थित बैंड्रा ऑडिटोरियम में किया गया, जहां पर पार्टिसिपेट करने वाले बच्चों के हुनर को देखने कई फिल्मी सितारे भी पहुंचे, जिनमें अभिनेत्री सुरभि प्रभु, कास्टिंग डायरेक्टर सोहन ठाकुर ऐसे कई नामचीन लोग नजर आए। कार्यक्रम के आयोजक हैं विपुल सोलंकी और जोस के प्लेटफॉर्म पे 18 कॉलेज के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। We have been running this institution since last more than 15 years now, and Josh is something which is very close to our heart. And you know, this is being the prime objective of having this is to provide a platform for our students primarily to organize such a big show, and to ensure that this platform is used by many of the upcoming budding rising stars, so then they can make a huge career in the industry. So this is a win-win situation where I see my students studying event management in the classrooms as well as coming down on floor and putting up such big show. At the same time, you know, this is also a platform which has been a stepping stone for many of the celebrities. Last 12 years we've been doing this program. It's very close to our heart and we put day and night for this. We've seen in the last 2.5 months multiple activities being taken up on multiple occasions. At multiple cities we are present: Delhi, Ahmedabad, Jaipur, Mumbai. We have city finals and then we do have India finals. So today we have contestants from all over the country, fighting for this title, which is Josh, which is college versus college. And then Mr. Har contest, there are three contests abhi chal rahe hai. Josh college ke samne college ka competition hai, jisme 300 college ne isme participate application dale the. Usme se humne 30 college ko invites bheje hai auditions ke liye. Aaj 18 college perform kar rahi hai. अलग अलग राउंड्स रखे हैं उनके, एक है फैशन टसन रखा है, रंग दे बसंती रखा है, कलर ऑफ इंडिया रखा है, तो इस तरह से अलग अलग दिल देसी स्टाइल विदेशी, इस तरह से 5 राउंड रखे हैं। 5ों राउंड में स्टूडेंट्स को अपनी एक टीम वर्क का प्रदर्शन करना है, उसके साथ ही साथ उनको एक टैलेंट का भी प्रदर्शन करना है, जिसमें डांसिंग, कोरियोग्राफी, फैशन, अटायर और उनका एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस, सभी कुछ गेज किया जा रहा है। आज हमारे पास पैनल पे 12 जजेस प्रेजेंट है जो इंडस्ट्री में काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं, तो आज वो उनका विश्लेषण कर रहे हैं और एंड में उनको ये टाइटल के लिए सभी लोग फाइट कर रहे हैं। कैश प्राइज भी है कॉलेजेस को, फर्स्ट कॉलेज जो है जोश का टाइटल जो लेगा उनको कैश प्राइज भी है और साथ में ट्रॉफी भी है, फर्स्ट रनर अप को भी है, सेकेंड रनर अप कॉलेज के लिए है, फिर मिस्टर एंड मिस एकेडमिया उसमें मेल्स और फीमेल्स के लिए विनर, फर्स्ट रनर अप, सेकेंड रनर अप है, स्टूडेंट आइडल जो टैलेंट कॉम्पिटिशन है उसमें भी इसी तरह से विनर बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग है, कैश प्राइज भी है उसमें। मेरा हिंदुस्तान और बहुत ही यूनिक और बहुत ही मिला जुला लग रहा है और बहुत अच्छा, हम बहुत इन्जॉय कर रहे हैं परफॉर्मेंसेस, बहुत ही प्रोफेशनल लेवल में। मैंने कभी कॉलेज लेवल पर इतना प्रोफेशनलिज्म एक्सपेक्ट नहीं किया था, काफ़ी प्रोफेशनल लग रहे हैं और ये लोग, आई रियली होप कि इनको कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। एक NAEMD जोश बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है इनको आगे बढ़ाने के लिए, आई होप रियली उनको लाइफ में बहुत तरक्की मिले। मैंने मारुति का ऐड किया है 3 दिन पहले, आई होप आप लोग मुझे बहुत जल्दी होर्डिंग्स पे देखेंगे। मकसद एक्चुअली यही है, यहाँ पे आके मैं एक यहाँ पे आकर मैं जितने भी टैलेंट को देख रहा हूँ, अचंभित हूँ मैं कि मुंबई में इतने हिडन टैलेंट हैं जिनको टैप करने का मुझे बहुत मौका मिलेगा। एंड द काइंड ऑफ एनर्जी, द काइंड ऑफ टैलेंट, द काइंड ऑफ एक्सेलेंट टैलेंट, बेसिकली मैं इन सबको एक एक करके टैप करने वाला हूँ और इन सब में मुझे बहुत सारे ऐसे टैलेंट लग रहे हैं जिनको मैं प्लेटफॉर्म दे सकता हूँ और थ्रू माय कंपनी सोहन ठाकुर कास्टिंग कंपनी, मतलब इनको जितने भी अभी मैं मेरी अभी 3 फिल्में चल रही है, 5 नए शो आने वाले हैं, तो मतलब वास्ट मीडिया है और आई कैन मीट पर्सनली टू देम और जो अथॉरिटी है उनके थ्रू मैं इनको अप्रोच करूँगा और डेफिनेटली इन सबको जो टैलेंट हैं इनको मैं प्लेटफॉर्म देने की पूरी कोशिश करूँगा। आपकी ठक्कर, जैसे आप सब जानते हैं मैं एक टेलीविजन एक्ट्रेस हूँ। जोश बेसिकली एक बहुत ही फन फिल्ड इवेंट था। मैं बेसिकली यहाँ इसलिए आई बिकॉज जो स्टूडेंट्स हैं वो बेस है हमारे एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के, हमारे कंट्री के, और जिस तरीके का करिकुलम यहाँ पे है और जिस तरीके का फेस्टिवल उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग था। इतना सारा टैलेंट हमारे पास है,
स्टूडेंट्स हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, अपने टैलेंट को दिखाना चाहते हैं, जो बहुत अच्छी बात है. एंड एज एन एक्टर आई थिंक इट्स माई ड्यूटी टू रियली प्रमोट सच काइंड ऑफ इवेंट्स एंड फेस्टिवल्स एंड मेक देम फील एनकरेज्ड सो दैट उनका परफॉर्मेंस अच्छा हो, उनका कॉन्फिडेंस बढ़े और हमें ज़्यादा अच्छे प्रोफेशनल्स आगे चल के इस इंडस्ट्री के लिए मिले. जिस तरह से सुल्तान खान, मैं अंदर यही कह रही थी कि एक टाइम पे मैं खुद एक पार्टिसिपेंट थी और ज़्यादा दूर की बात नहीं, करीबन 1.5 ईयर्स बिफोर जब मैं यहाँ पर खुद पार्टिसिपेट करती थी, बहुत सारे फैशन शोज एंड पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट किए. एंड आई थिंक नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है, आई वांट गो बैक टू माय कॉलेज डेज, आई वांट पार्टिसिपेट, दे वर फिनोमिनल. आई थिंक बहुत माशाल्लाह बहुत उमदा परफॉर्मेंस था, एवरी वन गेव देयर बेस्ट एंड व्हाट आई लव द मोस्ट वाज़ द ऑडियंस, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चर किया, सो आई एम लविंग इट. देयर वाज़ दिस गाय हु प्लेड रोल ऑफ अ यूनक, आई मीन डांस एवरी वन वाज गुड, सिंगिंग एंड ऑल सब अपनी जगह ठीक है, बट द बॉय हु एक्चुअली प्लेड रोल ऑफ यूनक, आई थिंक उसने एक्चुअली एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है सोसाइटी को लेकर, जो काफ़ी लोगों को ज़रूरत है जानने की. एंड कहीं ना कहीं मैंने देखा जब वो परफॉर्म करा तो लोग हंस भी रहे थे, वो थोड़ा सा मुझे गलत लगा, वो नहीं करना चाहिए, बट जो भी है आई थिंक. वेल माय नेम इज़ ग्वेनेथ हायर्ड और मुझे बहुत ही अच्छा लगा टू बी पार्ट ऑफ दिस इवेंट, दिस ऑनरेबल इवेंट जहाँ पे स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंसेस होते हैं, फैशन एंड दिस डांस, इतने सारे वेरीड थिंग्स. आई एम होपिंग द बेस्ट पर्सन विंस टुनाइट, तो उसके लिए शुभकामनाएं एंड आई एम ऑल द बेस्ट टू द विनर्स. इट्स रियली डिफिकल्ट शाकिर एंड वी हैव बीन हैविंग अ रियली डिफिकल्ट टाइम. मेरा नाम शेख शाकिर है और जोश एक वाकई में जोशफुल इवेंट है जहाँ सारे कॉलेज के बच्चों ने अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखा है. बहुत इंस्पायरिंग टैलेंट है कॉलेज लेवल पे, स्टूडेंट ने इतना एफर्ट डाला है, इतना कुछ किया है कि ऐसा जैसे कोई प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं. तो आई थिंक एक इंडिया उस मुकाम पे पहुंच चुका है, स्पेशली बॉम्बे जैसी सिटी में इतने टैलेंटेड बच्चे हैं कि आई थिंक दे जस्ट हैव द प्रोफेशनल स्टेज फ्रॉम हियर नाउ. तो जी फ्रॉम एमटीवी स्प्लिट्सविला एंड आई एम सो हैप्पी टू सी दिस इवेंट जोश, बिकॉज मैं भी एक परफॉर्मर हूँ, मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ और मुझे पता है कि जब आर्टिस्ट स्टेज पे होता है तो उनके मन में क्या होता है. सब फोकस जो है लाइफ में, जो आप करना चाहते हो उसके लिए दुनिया से लड़ जाओ, माँ बाप से भी लड़ जाओ, क्योंकि आई थिंक कुछ दिनों के लिए आप उनको दुखी करेंगे लेकिन जब आप बहुत बड़े बन जाएंगे तो सबसे ज़्यादा खुशी आपके माँ बाप को होगी. थोड़ा सा दुख देने के बाद जब आप उनको ज़िंदगी भर का सुख देंगे तो दे विल बी प्राउड ऑफ यू. सो आई वुड जस्ट से स्टे फोकस्ड एंड रॉक. कुछ ज़्यादा ही जोश था सबके पास एंड इट वाज सो गुड, क्योंकि इतना ब्यूटीफुली एग्जीक्यूटेड था, इतना टैलेंटेड थे सब लोग, तो बहुत अच्छा था. मुझे अपनी स्कूल की और अपनी कॉलेज के दिन याद आ गए. मैंने अपना कॉलेज किया है नेपाल से और स्कूलिंग भी नेपाल और देहरादून से, तो इट वाज रियली ओवरवेलमिंग एंड वेरी नाइस.